अगर आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन किया है और अभी तक फुल केवाईसी नहीं किया है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं आप फुल केवाईसी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप फुल केवाईसी नहीं करेंगे तब तक आप कोई लेन देन नहीं कर सकते, कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते और जमा किया हुआ पैसा भी आप नहीं निकाल सकते। और अगर आप 1 साल तक फुल केवाईसी नहीं करेंगे तो आपका जो अकाउंट है इनएक्टिव हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो में एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 तरीका बताऊंगा फुल केवाईसी करने का, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। इनमें से एक तरीका मैंने प्रैक्टिकल लैब प्रोसेस दिखाया किस तरीके से आप फुल केवाईसी कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला तरीका, इसके लिए आपको क्या करना है, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाना है। सिंपली वहां जाकर कहेंगे कि मुझे फुल केवाईसी करना है तो सिस्टम द्वारा फुल केवाईसी कर दिया जाएगा। ये पहला तरीका हो गया कि आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा। दूसरा तरीका, स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आपको कॉल करना है। इस नंबर पर कॉल करके पोस्टमैन को अपने घर पर बुला सकते हैं, पोस्टमैन आपके घर आएगा और फुल केवाईसी कर देगा, जैसा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में ये मेंशन किया हुआ है। तीसरा तरीका, अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट का फुल केवाईसी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको 3 लाइंस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आईपीपी कस्टमर पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट करना होगा, आप अपॉइंटमेंट बुक क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर मैं फुल केवाईसी करना चाहता हूँ इसलिए यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है और नीचे जो जो डिटेल्स मांग रहा है उन डिटेल्स को फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और पोस्टमैन आपके घर आएगा और घर आकर फुल केवाईसी कर देगा। ये डोर स्टेप सर्विस कहा जाता है इसको। चौथा तरीका, इस तरीका को ध्यान से देखना, इसमें आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा किस तरीके से आप फुल केवाईसी कर सकते हैं। देखिए, पोस्टमैन जब आपके घर आएगा या फिर गांव आएगा पार्सल वगैरह लेकर, क्योंकि पार्सल वगैरह लेकर गांव आते रहता है पोस्टमैन, तो पोस्टमैन के मोबाइल में एक ऐप होता है, उस ऐप के थ्रू फुल केवाईसी होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस ऐप के थ्रू किस तरीके से फुल केवाईसी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पोस्टमैन ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं होता फुल केवाईसी किस तरीके से किया जाता है, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइव प्रोसेस दिखा देता हूँ किस तरीके से आप फुल केवाईसी कर सकते हैं। तो पोस्टमैन के मोबाइल में माइक्रो एटीएम करके एक एप्लीकेशन होगा, उस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर आपको लॉग इन कर लेना है। ये एजेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद इस टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन में लॉग इन हो जाएंगे। आप इस एप्लीकेशन से फिंगर के थ्रू भी पैसा निकाल सकते हैं, आधार कार्ड के थ्रू नया अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और फुल केवाईसी भी कर सकते हैं। फुल केवाईसी करने के लिए यहाँ पर आपको 3 लाइंस दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको रिकेवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको कस्टमर को फाइंड करना है, सर्च करना है, आप अकाउंट नंबर के थ्रू, आधार नंबर के थ्रू या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। ऑथेंटिकेट करने का यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलता है, आप फिंगरप्रिंट के थ्रू ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, वन टाइम पासवर्ड के थ्रू, ये जो वन टाइम पासवर्ड है ओटीपी है, आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, इस मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट ओपन किया है, आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा आई स्कैन करके भी, यानी आंख को स्कैन करके भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट के थ्रू ऑथेंटिकेट करना चाहता हूँ इसलिए फिंगरप्रिंट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फिंगरप्रिंट डिवाइस को मोबाइल में अटैच कर देना है, ये डिवाइस भी पोस्टमैन के पास होगा। डिवाइस को मोबाइल में अटैच करेंगे और यहाँ फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे, डिवाइस का बल्ब जल जाएगा, डिवाइस पर आपको फिंगर को रखना है, फिंगर को स्कैन करने के बाद पॉपअप शो होगा, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। यहाँ पर कस्टमर का पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको इस टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और नीचे आना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट करना होगा, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलता है ऑथेंटिकेट करने का, यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेस टैप टू हियर, इस पर क्लिक करना है, डिवाइस का बल्ब जल जाएगा, डिवाइस पर फिंगर को रखना है और स्कैन कर लेना है। फिंगर को स्कैन करने के बाद पॉपअप शो होगा, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ पर कस्टमर का पूरा डिटेल्स आ जाएगा, कस्टमर का फोटो, आधार नंबर, कस्टमर का एड्रेस, पूरा यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर कस्टमर का फुल केवाईसी हो जाएगा। तो इन 4 तरीका में से किसी भी तरीका को फॉलो करके आपको फुल केवाईसी कर लेना है। ऑनलाइन कोई तरीका नहीं है कि वीडियो केवाईसी के थ्रू फुल केवाईसी कर लेंगे, ऐसा कोई तरीका नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए।